नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और हम आ चुके हैं आधुनिक भारत में, और आधुनिक भारत की हम एक क्लास ले चुके हैं और हमारा टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक वर्ष, और क्लास बंद हो चुकी है इसकी, और क्लास टू जो है अब हम यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और इसकी दो ही क्लासें बननी है। तो दोस्तों, आज जो हम कवर करने वाले हैं, तो हमने कवर करना है हमको बंगाल विभाजन, फिर यंग बंग आंदोलन, फिर हम करेंगे रामकृष्ण मिशन, फिर हम पढ़ेंगे थियोपिकल सोसाइटी, फिर हम पढ़ेंगे आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन, उसके बाद में पढ़ेंगे हम सत्यशोधक समाज, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करें, कुछ एक्ट पढ़ेंगे। और अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो ब्रह्म समाज को हम कवर कर चुके हैं। दूसरे में प्रार्थना समाज को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है भाई। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज, ठीक है। और हम कवर कर चुके हैं, ऐसा मान के चलिए कि आपका आर्य समाज हम यहाँ से जो है कवर कर चुके हैं। तो हमने इनको कवर किया है, प्रार्थना, ब्रह्म और आर्य, यहाँ तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं यंग बंग आंदोलन भी कह सकते हैं, या इसे यंग बंगाल आंदोलन भी कह सकते हैं। अब इसका काल जो था वो कब से कब तक था, देखिए पैट में जो है आपको ज़्यादा फोकस डीप पर नहीं करना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है जिससे कि आपके की पॉइंट वहाँ से मिल जाए परीक्षा में सीधे सीधे। ज़्यादा बड़े टॉपिक की अगर हम बात करें तो यंग बंग आंदोलन में जो है, यंग बंगाल आंदोलन इतना बड़ा टॉपिक है कि आपका आधा घंटे में यही टॉपिक बन पाएगा पूरा आपसे, ठीक है, आधा पौन घंटे में ये बनेगा। परंतु हमें क्या निकालने हैं, केवल की पॉइंट बनाने लगाने हैं, और वो भी किस टाइप स्टोरी टाइप हमें करना है। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन, और ये हमारा आंदोलन हुआ था 1826 से लेकर 31 तक ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था। अब बात करते हैं ये किसने शुरू किया था। तो एक थे हेनरी लुइस बिलियन डेरोजियो, ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इसकी शुरुआत की थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। हेनरी लुइस विवियन ने जो की थी, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ये शुरुआत की थी। और ये कहाँ के थे, ये हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। क्या थे, हिंदू कॉलेज के क्या थे, प्रधानाध्यापक थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदू कॉलेज के क्या थे, ये प्रधानाध्यापक थे, ठीक है भैया। और अगर बात करें यहाँ से हम, तो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, मैं आपको बताता हूँ। इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता। क्या उद्देश्य था, प्रेस की स्वतंत्रता। इस आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था, प्रेस की स्वतंत्रता था। जमींदारों की रैयतों से मुक्ति कराना था, जो रैयत लोग थे उनसे मुक्ति कराना था, ठीक है भैया। और सरकारी उच्च सेवा में भारतीय सेवकों को पार्टिसिपेट करना, उच्च पदों पर भारतीयों को सेवा दिलाना, यहाँ से काम बना था। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है तीन पॉइंट, क्योंकि यंग बंग आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों से की रैयतों से मुक्ति, ठीक है, और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की सेवा में प्रधानता, ऐसा मान लीजिए। और इसी के चलते जो थे, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा गया था, किन्हें, डेरोजियो को क्या कहा गया था, प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया था, ये अपने माइंड में रखेंगे बात को, ठीक है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो शिष्य कौन थे इसके, तो शिष्य थे राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी, ठीक है। और महेश चंद्र जो थे वो क्या थे, ये थे इनके शिष्य। और डेरोजियो के अनुयायियों के कारण जो था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो हमारी जाति का पिता इसे कहते थे। क्या कहते थे, ये हमारी जाति का पिता है, ठीक है। तो यहाँ से की पॉइंट निकल का है, सबसे पहले ये कि कहाँ के थे, ये थे आपके प्रधानाचार्य हिंदू कॉलेज के, और कब इसकी स्थापना की गई थी, 1826 से 31 तक की गई थी, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुए थे, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों से रैयत की मुक्ति, और सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों को सेवा दिलाना इनका काम था। और इसी वजह से प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहे गए थे। और इनके शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष इनके शिष्य थे। और हमारी जाति का जो पिता किसने कहा था, इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था इनको, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आ ही चुकी होगी। अब हम दूसरा जो देखते हैं मिशन, वो क्या देखते हैं बेटा, वो हम मिशन देखते हैं रामकृष्ण मिशन। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी 1897 में की गई थी, कहाँ पर, कलकत्ता के एक जगह है बारानगर, कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता के एक बारानगर में यहाँ की गई थी। अब ये क्या था कि परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, ठीक, किसके, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, और अपना कारभार जो है पूरी अपनी जो ऐसा मानते हैं गद्दी किसे दे दी थी, वो अपने शिष्य को दे दी थी इन्होंने, विवेकानंद को, ठीक है। इन्हें नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद, पूरा नाम क्या था इनका, स्वामी विवेकानंद। परंतु ये नाम किस तरीके से पढ़ा स्वामी विवेकानंद, इसके पीछे एक कहानी है, उससे पहले आप समझिए। जब ये नाम बाद में पढ़ा तो इनका पुराना नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ था इनका नाम, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ। अब देखिए क्या होता है कि 1893 में अमेरिका शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, यानी कि सभी विश्व के सभी धर्मों का एक सम्मेलन हो रहा था, और वो प्रथम सम्मेलन था कहाँ पर हो रहा था, शिकागो में। तब वहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति मिले, महाराज खेतड़ी, इनके कहने पर इन्होंने 1893 में इन्होंने क्या नाम रखा, अपना स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने कहा कि जब आप वहाँ पर धर्म में जा रहे हो तो कुछ दबाव बनेगा, कुछ दबदबा बनेगा, तो ऐसा कुछ तो करिए, अब ये नरेंद्रनाथ से अगर जाओगे तो इसमें आध्यात्म पैदा नहीं होगा। तो इन्होंने करना था अपना नाम चेंज किया वहाँ जाने से पहले। थोड़ा सा बता देते हैं की पॉइंट से ही संबंधित है, ज़्यादा थ्योरिकल नहीं है। तो क्या था, स्वामी विवेकानंद नाम जो है इनका जब पड़ा था, किसकी सहायता से, महाराज खेतड़ी की सहायता से, और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए थे तब। अब वहाँ जब उस धर्म सम्मेलन में गए थे, सभी धर्मों की एकता के लिए उन्होंने क्या कहा था, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद पर चर्चा की थी। इन्होंने कहा था यदि मानव जीवन, पश्चिम में भौतिकवाद है, यानी कि पश्चिम देश क्या थे, जैसे ब्रिटेन हो गया आपका, यूरोपीय कंपनी जितनी हो गई, यूरोपीय देश जितने भी हो गए, अमेरिका वगैरह ये जितने भी हैं, तो उन्होंने कहा था यदि पश्चिम में अध्यात्मवाद है, अगर पश्चिम में भौतिकवाद है और पूर्व में क्या है, आध्यात्मवाद है, अगर दोनों को मध्य में रखा जाए तो मानव का जीवन जो है संतुलित हो जाएगा। फिर उन्होंने आगे एक बात कही थी, धर्म न तो पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में है और न तर्क में। पुस्तक, बौद्धिक विकास यानी सिद्धांत, और तर्क ये केवल क्या है, ये केवल सहायक होते हैं, जबकि धर्म जो है वो आत्मा में है। कहाँ है धर्म, आत्मज्ञान में है। किस में है धर्म, आत्मज्ञान में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम, यही वाली बात पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने जो कहा था कि धर्म आत्मज्ञान में है, तो किसने कहा था बताइए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की जो मतलब स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो पहली बात ये कि स्वामी विवेकानंद नाम कैसे पड़ा, इनके बचपन का नाम क्या था, और ये वाला क्वेश्चन तो भर भर के आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1893 अमेरिका में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और स्वामी विवेकानंद इनका नाम पड़ा था किससे, महाराज खेतड़ी से। सभी धर्मों की एकता के लिए इन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था और इन्होंने धर्म आत्मज्ञान में बताया था। अब देखिए ये क्या थे, नव हिंदू जागरण के क्या थे, संस्थापक कहा गया इनको, क्या कहा गया इनको, नव हिंदू जागरण का संस्थापक। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। तो ये एग्जाम में भी आ जाता है कि इन्हें आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा गया था भैया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। क्या कहा था, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब इनके कुछ साहित्य से जुड़े हुए थी, कुछ किताबें थी, तो वो क्या थी देखिए, प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी भाषा में थी, उद्बोधन ये क्या थी बंगाली भाषा में थी। इनके साथ साथ जो थे राजयोग, कर्मयोग, वेदांत और वेदांत फिलोसफी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है, वेदांत फिलोसफी ये पूछा जाता है, वेदांत फिलोसफी किसकी है, तो राजा राम मोहन लगाए जाते हैं, जबकि किसकी है, विवेकानंद की है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी किसकी हैं, स्वामी विवेकानंद की हैं। और इनके उस सम्मेलन से 1893 के सम्मेलन से जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, वहाँ पर शिकागो में सम्मेलन लिया, तो सब लोग प्रभावित हुए। और उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए वो कौन हुई, एक विदेशी महिला थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता, और ये इनके साथ जो है भारत आ गई थी। और इन्हें क्या नाम दिया गया था, मार्गरेट नोबेल का नाम दिया गया था बाद में इनको, क्या नाम दिया गया था, मार्गरेट नोबेल का नाम दिया गया था। तो अभी जो हमने कवर किए हैं वो क्या कर रहे हैं, यंग बंग आंदोलन कवर किया है और रामकृष्ण मिशन। तो अगर आप लोगों को यहाँ से की पॉइंट निकालने हैं, और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको हैंड टू हैंड नोट कर सकते थे। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, यंग बंग आंदोलन 1826-31 में किसने किया था, हेनरी लुइस विवियन डेरुजो ने, फ्रांसीसी क्रांति, हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे, और उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की रैयतों से मुक्ति, सरकारी उच्च सेवाओं में
भारतीय सेवाओं को सेवा दिलाना आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया। शिष्य कौन थे? रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष। और हमारी जाति का पिता किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा था। इससे की पॉइंट यही आपके रहेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन से। 1897 में कलकत्ता में यह बारा नगर कलकत्ता की जगह थी, वहाँ शुरू किया था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नरेंद्र नाम इनके बचपन का नाम था। 1893 में महाराज खेतड़ी ने इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम परिवर्तन करने के लिए कहा था। अमेरिका शिकागो में जो प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लेने जा रहे थे। वहाँ पर सभी धर्मों की एकता के लिए उन्होंने बात कही थी कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद को एक जगह बैलेंस कर लो, संतुलन में कर लो, ठीक है। धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक सिद्ध विकास में है, ना ही तर्क में है, तो धर्म आत्मज्ञान में है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। इसी के कारण इन्हें नव हिंदू जागरण का क्या कहा गया था? संस्थापक, ठीक है भैया। और बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। और इनकी रचनाओं में प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में लिखी थी, उद्बोधन बंगाली में, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलोसफी प्रसिद्ध थी। और इनसे प्रभावित होकर एक महिला आई थी विदेशी, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर निवेदिता, और बाद में इन्हें क्या नाम दिया गया था? मार्गरेट नोबल जो है इनको नाम दिया गया था। तो ये थे जुड़ी हुई इनकी कुछ कहानियाँ, ठीक है, दोनों से। अब हम आगे बात जो करने वाले हैं, बात करने वाले हैं थियोपिकल सोसाइटी। जो हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं? थियोपिकल सोसाइटी की अब हम बात करने वाले हैं। और आप आराम से जो है ना पॉइंट टू पॉइंट करके बात करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे आपको, और जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? थियोपिकल सोसाइटी, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ना तो आपको डाटा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और ना ही डाटा आपको बहुत कम दे रहे हैं, आपको ऐसा डाटा दे रहे हैं कि जिससे आप SSC, GD, उत्तर प्रदेश पुलिस और भी परीक्षाएं जो है अच्छे तरीके से ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो अब क्या है? थियोफिकल सोसाइटी, थियोपिकल सोसाइटी है। अब मैं आपको बताता हूँ थियोपिकल का मतलब क्या होता है। थियोपिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। क्या होती है? ब्रह्म विद्या। थियोपिकल का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रह्म विद्या होता है, इसको याद रखना है। थियोपिकल सोसाइटी यानी ऐसी सोसाइटी, ऐसा संगठन जिसमें ब्रह्मा की विद्या दी जाती है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। और किसने की थी? मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लात बस की। तो ये नाम याद रखना है, बहुत डिफ़िकल्ट नाम हो सकता है आपके लिए। तो पेट्रो ये था, मैडम हेनरा पेट्रोवना ब्लातबस्की, इन्होंने की थी। और इनके साथ एक नाम और जुड़ जाता है, कर्नल स्टेली ओस्कोट, ये नाम और जुड़ जाता है ये, ठीक है भैया। तो सबसे पहली बात ये है कि थियोपिकल सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है? थियोपिकल का होता है ब्रह्म विद्या, सोसाइटी मतलब होता है संगठन। और 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और मैडम हेलेना ने इसकी स्थापना की थी, मैडम हेलेना ब्लातबस्की, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। फिर एक नाम था कर्नल स्टेली ओस्कोट, ठीक। अब बात आती है कि भारत में अगर बात करें कि भारत में इसकी जो खोज की गई थी, मतलब सॉरी स्थापना की गई थी, वो 1882 में की गई थी। कहाँ पर? अडयार में की गई थी। अडयार कहाँ पर है? मद्रास में भाई। तो इसको भी नोट करेंगे, कहाँ पर भारत में की गई थी? अडयार में की गई थी। और इसी समय जो इसकी जो सदस्य बनी थी वो कौन बनी थी? यानी कि आई थिंक 1889 में जो थी एनी बेसेंट, आयरलैंड की लेडी थी, मैं से ये तो कौन थी? एनी बेसेंट जो है इसकी क्या बनी थी? सदस्य बनी थी। और एनी बेसेंट जो भारत आई थी तो वो 1893 में आई थी। 1893 में भारत आई थी। कौन आई थी? 1893 में भारत आई थी। और इन्होंने भारत में आके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। क्या करा? 1898 में शिक्षा के क्षेत्र में आकर इन्होंने क्या काम करा? इसमें सबसे पहला अगर हम बात बताएं तो इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है भैया। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1916 में
जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दिया था, इस कॉलेज को नाम क्या कर दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या कर दिया था, विश्वविद्यालय, तो ये नाम रख दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, से कहते हैं BHU। ठीक है भैया, किसने कहा था ये मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद में एनी बेसेंट जो थी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही, प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। अब देखिए, यहाँ से इतनी बात आप याद कर लोगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से फिर कोई सा क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आप चाहे पेपर उठा के देख लो, कोई भी आप बनडे एग्ज़ाम का देख लो या PT के एग्ज़ाम का उठा के देख लो, दुनिया भर की बात पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो और इतना डाटा देख लो इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी से अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ आ जाए तो फिर हमसे बता देना, ठीक है। तो आप उल्टी सीधी बातें करके याद करके, थ्योरिकल बहुत ज़्यादा याद करके, बस अपने दिमाग को जो है केवल भरना है। तो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल शब्द का मतलब जो होता है वो क्या होता है, थियोसॉफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, और इसकी शुरुआत की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में, और किसने की थी, मैडम हेलना पेट्रोवना ब्लावात्स्की ने और कर्नल स्टैनली ओस्कोट ने। अब भारत में 1892 में अडयार, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, अडयार वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा, ये अडयार वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है भैया, ये वाला याद रखना है, ठीक है। और सदस्य कब बनी थी, यानी वैसे वो बनी थी 1889, और ये भारत कब आई थी, सॉरी भारत कब आई थी बेटा, भारत आई थी 1893 में, कब आई थी 1893 में आई थी, और 1898 में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया यहाँ, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या बनाया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, BHU कहते हैं। और बाद में इन्होंने काम करा 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस में तीन महिला अध्यक्ष बनी थी, एक बनी थी 1817 में महिला, एक बनी थी 1825 में, सॉरी 1917 में, 1925 में, फिर 1933 में यहाँ बनी थी एनी बेसेंट, यहाँ बनी थी सरोजिनी नायडू, और यहाँ बनी थी नीली सेन गुप्ता। ठीक है भैया, तो यहाँ कौन बनी थी, एनी बेसेंट, यहाँ कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, और यहाँ कौन बनी थी, नीली सेन गुप्ता। तो प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, और यहाँ पर द्वितीय भारतीय महिला नीली सेन गुप्ता। ठीक है भाई, इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है, करो कवर इसको अच्छे से, कवर करो इसको अच्छे से। ठीक है भाई, हो गया इतना। इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम क्या करने पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा पढ़ लो अलीगढ़ के बारे में भी, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी थोड़े से काम किए थे एग्जामिनर, वहाँ से भी एक आध की पॉइंट पूछ लेता है एग्जामिनर, यहाँ से भी की पॉइंट बना लेता है, समझ गए। एग्जामिनर थोड़े से की पॉइंट यहाँ से पूछता है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये आंदोलन किसने शुरू किया था, सर सैयद अहमद खान ने। इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, वो था इस्लामी समाज का आधुनिकरण था इसका। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करा था भैया, और ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन किया था। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो इन्होंने विरोध क्या किया था, अगर हम बात करें तो एक तो पीरी मुरादी, पीरों की जो मुरादी होती थी कि हम पीर के मुरीद हो गए, जितने भी अवतार होते थे पीरा मुरादी का अंत किया, और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर दास प्रथा का भी क्या कह रहा था, विरोध किया था। दास प्रथा का क्या कह रहा था बेटा, विरोध किया था, इतना याद रखना है। और इन्होंने इसी क्रम में बढ़ते हुए 1800, अगर हम बात करें, देखिए अभी क्लियर कर लें, सर सैयद अहमद खां हो गए, इस्लामी समाज का आधुनिकरण हो चुका है, और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, पीरी मुरादी का अंत किया था, और दास प्रथा का विरोध किया था। और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, किसकी, साइंटिफिक
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। और 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल ठीक है स्कूल बनाया, मोमडन ओरिएंटल स्कूल बनाया 1875 में, जिसे बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया, विश्वविद्यालय ठीक है भैया, ये नाम दिया गया 1920 में, ठीक है। आर्यवाद समाज में अगर हम बात करें तो इनका एक लेख था, उस लेख को याद रखना है और कोई ज़्यादा याद रखना नहीं है। यानी क्या था, तहजीब उल अखलाक ठीक है भैया, ये इन्होंने लिखा तहजीब उल अखलाक। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परंपरा और नैतिकता। क्या होता है भैया, परंपरा होता है या सभ्यता और नैतिकता, आई थिंक हाँ यही होता है, तहजीब मतलब सभ्यता एवं नैतिकता, ठीक है, ये लिख लेना हिंदी में, ठीक है। तो एक बार इसको रिकॉल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से हो चुका अलीगढ़ आंदोलन को केवल इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो हम, अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। उद्देश्य था इस्लामी समाज का आधुनिकरण करना था, ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था इन्होंने, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, पीरी मुरादी का अंत किया था, जो पीरी मुरादी होती थी उसका अंत किया था, और दास प्रथा का विरोध किया था। पीरी मुरादी क्या होती थी, जैसे पीर पैगंबर होते हैं जितने भी अवतार होते हैं, ठीक है, उनके क्या होने थे, मुरीद हो बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ये अंधभक्ति है, ऐसा कुछ मत करो, साइंस इस चीज़ को नहीं बताता, ठीक है भैया। और इसी के साथ चलते 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान को इन्होंने जो था वो क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। आगे बात करें 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी अलीगढ़ में, कहाँ पर की थी, अलीगढ़ में, जबकि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया था। इनकी एक कृति थी जिसे हम कहते हैं तहजीब उल अखलाक, तहजीब माने होता सभ्यता और अखलाक माने होता नैतिकता, ठीक है। हमारे नैतिक मूल्य जो होते हैं अखलाक बताते हैं और तहजीब हमारी सभ्यता को बताते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है भाई। तो शायद आप लोगों के यहाँ से सब समझ में आया होगा, नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से। इतना हम थोड़ा इंक विंक डाल लेते हैं, आगे पढ़ाते हैं क्या है हमारा जो आगे है वो है सत्यशोधक समाज। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं भैया, सत्यशोधक समाज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। कब की थी, 1873 में इसकी खोज की थी, मतलब शुरुआत की थी। और कहाँ पर की थी भैया, तो स्थान क्या था, स्थान था महाराष्ट्र में ये शुरुआत की थी। तो ज्योतिबा फुले ने कब की थी, 1873 में शुरुआत की थी और महाराष्ट्र में की थी, इसको याद रखना है, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो थे माली जाति से थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। कौन थी, सावित्री बाई फुले, ठीक है। और इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला शिक्षक यहाँ से आ जाएगा इनका पॉइंट, आप इसको नोट कर लेना। ज्योतिबा फुले 1873 में, स्थान महाराष्ट्र, जाति माली थी और सावित्रीबाई फुले, ठीक है भैया, इतनी बात याद रखना है। आगे बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इस समाज का उद्देश्य क्या था। अगर हम बात करें उद्देश्य का, तो निम्न जाति
निम्न जाति, ठीक है, निम्न जाति के हितों, निम्न जाति के हितों व अधिकार दिलाना, हितों को दिलाना, ठीक है, ये पॉइंट था। इसी के कारण जो है ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र की स्थानीय सभा ने किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। एग्जाम में आ जाता भाई ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी से अलग किस व्यक्ति को जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, तो किसको दी गई थी, ज्योतिबा फूले को दी गई थी, महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी थी, ठीक है भैया, महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी थी। और ये उपाधि कब दी थी, तो 1888 में उपाधि दी गई थी, 1888 में उपाधि दी गई थी। अब देखिए, जो अमीर लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो प्रतीक क्या मानते हैं अपने आंदोलन का, वो मानते हैं राम को। तो इन्होंने अपने आंदोलन का प्रतीक जो माना था वो किसे माना था, आंदोलन का प्रतीक जो माना था राजा बाली, किसे माना था, राजा बाली को प्रतीक माना था, किसे माना था, राजा बाली को प्रतीक माना था भैया इन्होंने। तो इतनी बात यहाँ से आपको याद रखनी है, एक बार रिकॉल करेंगे इसको, फिर कोई टेंशन वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है, समझिए। क्या सत्यशोधक समाज की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले ने 1873 में शुरुआत की थी, और स्थान कहाँ था, महाराष्ट्र था, ठीक है, उद्देश्य था निम्न जाति के हितों व अधिकार को दिलाना था, ठीक है, और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र, इसी वजह से ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र में एक स्थानीय सभा ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, कब, 1888 में, याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने अपने आंदोलन का प्रतीक जो बताया वो किसे बनाया, राजा बाली को प्रतीक बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये माली जाति से थे, निम्न जाति से थे, तो जाति थी, पत्नी कौन थी, सवित्राबाई फूले थी, ठीक है, और भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इतनी बात भी यहाँ से आपको याद करके रखनी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक किसी को, बताइए, ठीक है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर ना, बढ़िया तरीके से चल रहा है मामला, चलिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको जो है बता सकते हैं, ठीक है भैया, वैसे तो कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, क्लास ऐसी है नहीं कि दिक्कत दे जाएगी आपको, बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में, क्योंकि सारे की पॉइंट जो है आपको निचोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, पूरा पैट का सिलेबस आपको कवर करा रहे हैं, उसी के चलते जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे सुधार जो देश में होने ज़रूरी थे, जिसे हम सामाजिक सुधार भी कह सकते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विवाह के ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं, बाल विवाह के ऊपर बात करते हैं भैया। अब देखिए, इसकी जो है वो किसने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को थे विद्यासागर उपाधि थी इनका, जो वो था ईश्वर चंद्र क्या था, बंदोपाध्याय था इनका, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय कहते थे इनको, ठीक है। ये कौन थे, ईश्वर चंद्र कौन थे, यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे, तो 1850 में क्या उनके थे, संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, क्या थे, संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने कार्य क्या करा था, तो हम बताते हैं कार्य क्या करा था, इस विद्यालय में क्या काम करा था, तो क्या था कि संस्कृत से ब्राह्मणों का एक अधिकार समाप्त करना था, ये कि भाई केवल ब्राह्मण ही लोग ऐसे नहीं हैं कि संस्कृत पढ़ेंगे, सभी लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो ये काम इन्होंने किया था, ठीक है भैया। और 1804 में इस बाल विवाह की जो थी, ईश्वर चंद के प्रयासों से जो था, पहले कोई एज नहीं होती थी, परंतु ईश्वर चंद के प्रयासों से महिला यानी गर्ल्स, यानी कि अब 1860 में लड़की की आयु जो हो गई थी, विवाह की आयु कितनी हो गई थी, लड़की की विवाह की आयु जो थी 10 वर्ष हो गई थी, क्या हो गई थी, 10 वर्ष। अब आप बताइए, शुरू में 10 वर्ष हुआ करती थी, ये कब हुआ थी, 1860 में 10 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है भैया। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि तीन एक्ट आए थे, एक तो आया था नेटिव मैरिज एक्ट, तो हम यहाँ ही लिख सकते हैं नेटिव मैरिज एक्ट,
ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट आपका कब आया था, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है, तो 1872 में आया था ये एग्ज़ाम, 2019 के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर गर्ल्स की उम्र जो कर दी थी 14 वर्ष कर दी थी, और बॉयज़ की जो उम्र कर दी थी इसमें वो कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था आपका यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेटिव एक्ट 1872 में आया था, कब आया था, 1872 में। फिर एक आपका आया था सम्मति आयु अधिनियम, क्या आया था, सम्मति आयु अधिनियम, चलो यहाँ लिख देते हैं, सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम आया था, कब आया था ये भी पता होना चाहिए, 1891 में, 1891 आया था। किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया गया था आपका, एक थे बहराम जी, कहाँ के थे, पारसी थे, बहराम जी थे पारसी, उनके प्रयासों से हुआ था। और इसमें गर्ल्स की जो आयु थी वो कितनी कर दी थी, गर्ल्स की जो आयु कर दी थी वो कर दी थी 12 वर्ष, कितनी कर दी थी, 12 वर्ष। ठीक है, तो फिलहाल मैं ही पहले इतने को पढ़ूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह की क्या करी थी, 10 वर्ष हो गई थी 1860 में। उसके बाद में कौन सा एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट आया था, उसमें कितनी हो गई थी, 14, और बॉयज़ की कितनी, 18। फिर उसके बाद में आया था सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, बहराम जी ने इसकी शुरुआत की थी, बहराम जी ने इसकी शुरुआत की थी, और तिलक जी ने जो है ना, बाल गंगाधर तिलक ने इसका क्या करा था, विरोध किया था भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने विरोध किया तब जाकर बाल विवाह अधिनियम, जब जाकर क्या आया, बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शारदा एक्ट ये बना, ये शारदा एक्ट आया, कब आया ये, 1929 में ये शारदा एक्ट आया था, कब आया था, 1929 में शारदा एक्ट आया था। ठीक है, और किसके प्रयासों से आया था, हर विलास शारदा के प्रयास से आया था। और यहाँ पर गर्ल्स की आयु कितनी कही गई, गर्ल्स की आयु कर दी गई यहाँ से आपकी 14 वर्ष, और बॉयज़ की जो आयु की गई वो कितनी की गई, 18 वर्ष। इसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात के बाद विवाह संशोधन अधिनियम आया, और इसमें क्या करा गया कि ये कब आया, 1978 में आया। अब गर्ल्स की आयु जो कर दी गई वो कितनी कर दी गई, 18 वर्ष, और बॉयज़ की जो आयु कर दी गई वो कितनी कर दी गई, वो कर दी गई 21 वर्ष। और गर्ल्स को फोर्स करने वाला कोई व्यक्ति जो होगा वो भी क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। उन्होंने कहा कम उम्र की बच्ची को अगर कोई फोर्स करेगा तब भी वो क्या होगा, अपराधी होगा। तो ये थे कुछ आपके नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, गर्ल्स 14 वर्ष, बॉयज़ 18 वर्ष। उसके बाद में आया था सम्मति आयु अधिनियम 1891, बहराम जी के प्रयासों से गर्ल्स 12 वर्ष, बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था, इसका विरोध किया था। उसके बाद में आया था बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं, 1829 में, हर विलास शारदा ने के प्रयासों से आया था, गर्ल्स की आयु 14 वर्ष कर दी, फिर से बॉयज़ की कितनी कर दी, 18। और स्वतंत्रता के बाद में विवाह संशोधन अधिनियम 1978 में आया, गर्ल्स की 18 वर्ष और बॉयज़ की 21 वर्ष कर दी। इसके बाद कुछ ऐसी भी हैं प्रथाएं जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रथाएं चल रही थी और जिनको ख़त्म किया गया, ठीक है, कुछ प्रथाएं और थी जिनको बाद में ख़त्म किया गया, वो भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठगी प्रथा की, किसकी बात करते हैं, ठगी प्रथा। तो एक तो थी हमारी ठगी प्रथा, ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे ठगी प्रथा के बाद में एक आती है शिशुवध, क्या आता है, शिशुवध आता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है नर बलि प्रथा, तीसरी जो आती है वो कौन सी आती है, नर बलि प्रथा। फिर एक आपका आती है दास प्रथा, कौन सी आती है, दास प्रथा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले दास प्रथा की बात कर लेते हैं, ठीक है। दास प्रथा एलन बरो के प्रयासों से ये समाप्त हुई थी, एलन बरो के प्रयास समाप्त हुई थी। और कब हुई थी ये समाप्त, 1843 में, जबकि अधिनियम में इसे कब करने को की गई थी, 1833 में की गई थी, 1833 से समाप्त हो जाए, ठीक है, अधिनियम में बात करी थी। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने
फिरोज शाह तुगलक व अकबर अकबर ने दासों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। दासों की बिक्री पर पाबंदी, तो यहाँ से समझेंगे दास प्रथा का अंत किसने करा था? एलन ब्रो। कई बार क्वेश्चन आता है दास प्रथा का किसने करा था अंत? एलन ब्रो ने 1843 में, जबकि अधिनियम कहा गया था 1833 तक बंद होनी चाहिए। फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने जो है दासों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। नरवली प्रथा की हम बात करें तो ये राजपूतों में क्या थी? राजपूतों में प्रचलित थी, राजपूतों में प्रचलित थी, राजपूतों में प्रचलित थी नरवली प्रथा, ठीक है भैया। और हार्डिंग प्रथम ने समाप्त करी थी, ठीक है। कब करी थी? 1844-45 में समाप्त कर दी थी, ठीक है। और ये कहाँ थी? खोंड जनजाति में थी। कहाँ पर थी भैया? सॉरी, ये हरिजनों में नहीं थी, ये थी खोंड जनजाति में। खोंड जनजाति जनजाति में थी ये प्रथा, खोंड जनजाति में थी। जबकि शिशुवध जो था वो जोर सोन ने की थी। जोर सोन ने, ये किस में था? राजपूतों में, राजपूतों में था ये। और जोर सोन ने, जोर सोन ने इसे समाप्त किया था। और जोर सोन का जो काल था वो था 1795, जबकि 1804 में वैले जली ने, किसने? वैले जली ने, ठीक है भैया। तो जोर सोन ने 1895 और वैले जली ने 1795, वैले जली ने 1805 में, ठीक है। अगर बात करें बैंटिंग ने ठगी प्रथा जो करी थी वो किसने करी थी? बैंटिंग ने 1837 में दमन, किसने की थी? विलियम बैंटिंग ने, विलियम बैंटिंग ने की थी। और कब करी थी? 1837 में समाप्त। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको बना के रखेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रथाएं हैं, तो याद रखो इन प्रथाओं को। ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी प्रथा कब हुई थी? विलियम बैंटिंग ने की थी और 1837 में की थी। शिशुवध किस में? राजपूतों में प्रचलन में था। सर जोर सोन ने 1795 में और बैलेजी ने 1804 में। जबकि नरवली प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलन में थी। हार्डिंग प्रथा ने समाप्त किया 1844-45 में, ठीक है, क्लियर इतना। अगर बात करें दास प्रथा, तो दास प्रथा जो थी वो क्या थी आपकी? एलन ब्रो ने इसे समाप्त किया था 1843 में, अधिनियम में की थी 1833 में। फिरोज शाह तुगलक और अरबों ने जो है इसको किया था ख़त्म, ठीक है, पाबंदी लगा दी थी। तो दोस्तों अभी तक फिलहाल में हमने ये क्लास कवर की है। आज ये हमारी क्लास जो थी वह दूसरी क्लास थी, ठीक है, यानी कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक वर्ष का जो है हमारी दूसरी क्लास भी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो हमारी क्लास होगी आगे वो होगी स्वदेशी आंदोलन और आपका असहयोग आंदोलन का क्या भूमिका थी गांधी की। हम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चलने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जैसे सिलेबस होगा ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे, आप उसको इस तरीके से नोट्स बनाकर तैयार करते रहना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए अगर सेशन में मजा आया हो तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो जब तक के मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।